नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पिछले लोकसभा चुनाव या उसके पहले से ही, कुछ समय पहले से ही देश में संविधान बचाने की एक अजीब लड़ाई शुरू हो गई है। संविधान की प्रति हाथ में लेकर, संविधान का गुटका जो संस्करण है उसको हाथ में लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता संविधान बचाने के लिए निकले हैं, और संविधान बचाने के लिए कई तरह के झूठ बोले गए। बार बार मैं इस बारे में आपको अपने कार्यक्रम दो टूक में बताता रहा हूं, प्रमाणों के साथ बताता रहा हूं कि किस किस तरह के झूठ 24 के चुनाव में बोले गए। लेकिन कई बार नैरेटिव की लड़ाई जो होती है ना, वो जो झूठे नैरेटिव गढ़ दिए जाते हैं, वो झूठे नैरेटिव भी एक तरह से मुद्दा बन जाते हैं। 24 के चुनाव में शायद ऐसा ही हुआ कि कुछ झूठे नैरेटिव गढ़े गए और वो एक मुद्दा बन गए। अब ऐसे तमाम मुद्दों पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है, एनडीए गठबंधन वर्सेस बीजेपी। और बीजेपी ने इस संबंध में आज एक बड़ा ऐलान किया। बीजेपी ने, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने ऐलान किया कि हर साल 25 जून की तारीख, हर साल 25 जून की तारीख संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 25 जून क्या है? आप अगर दो टूक देखते हैं और अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो 25 जून आपको जरूर मालूम होगा क्या है। 25 जून वो दिन है जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने संविधान को धत्ता बताते हुए, संविधान की चिंदी चिंदी उड़ाते हुए भारत पर आपातकाल थोप दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। लाखों लोगों को बिना किसी कसूर के जेलों में भर दिया गया था, बिना किसी कसूर के मीडिया और अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया कर्मी जो है बिना सरकार से इजाजत लिए एक शब्द नहीं लिख सकता था। लोगों को जेल में ठूसा गया, जबरन लोगों की नसबंदी की गई। जो कुंवारे थे, जो बच्चे थे, बच्चों तक की नसबंदी कर दी गई और छोटे छोटे बच्चों को भी उठा के जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नहीं थी। जो इंदिरा गांधी बोले वही सही, पूरे देश में यह माहौल था। और इसके खिलाफ देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिस लड़ाई में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अपंग हो गए और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कई लोग, कई परिवार के परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि जो आपातकाल का जो दौर था वो कोई भूले ना। और इसी को लेकर आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब से 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष सरकार के इस ऐलान से खुश नहीं है, वो इसे राजनीति कह रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अब क्या जरूरत पड़ गई? 10 साल से आपकी सरकार थी, जब 10 साल से आपकी सरकार थी तो फिर आपने अचानक से यह ऐलान क्यों किया? हालांकि विपक्ष में कई पार्टियां ऐसी हैं, चाहे आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, कई पार्टियां विपक्ष में ऐसी हैं जिनके नेताओं को आपातकाल में उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। लेकिन आज वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं और संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का विरोध कर रही हैं। सबके अपने अपने राजनीतिक जो हैं वो अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं। लेकिन ये सवाल जब पूछा जाता है कि इस बात का फैसला आज क्यों किया, 10 साल पहले क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे एक स्पष्ट सोच साफ तौर पर दिखती है। ये साल 50वां साल है, ये साल संविधान की हत्या का 50वां साल है, ये साल आपातकाल देश पर थोपे जाने का 50वां साल है। और क्योंकि 50 साल हुए हैं तो इसलिए सरकार ने यह ऐलान किया। वैसे कांग्रेस ने जब हर साल जनवरी में, 25 जनवरी को, माफ कीजिएगा 25 नवंबर को, हर साल जब 25 नवंबर को जब सरकार ने यह तय किया था कि 25 नवंबर हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो विपक्ष ने उसका भी विरोध किया था और अब संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं।
तो फिर आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर दो टूक होगा। सवाल यह है कि इस दिन को याद करने में एतराज क्यों है। सवाल यह है कि इस दिन के लिए, इस दिन जो लोग, जब देश पर आप संविधान की हत्या हुई तो जिन लोगों ने इसके खिलाफ तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ा, बलिदान दिया, आखिर उनकी कुर्बानी को याद करने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े आपको दिखा देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके क्या कहा, और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह ऐलान किया तो उनका क्या ट्वीट था। आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरह से सरकार की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस ऐलान को लेकर जो ट्वीट किया वो आपको दिखाता हूं। जरा दिखाइए मेरी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर लिखा, 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। तो प्रधानमंत्री ने इसे काला दौर कहा और कहा कि जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया उनके बलिदान को याद करना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। अब जरा गृहमंत्री दिखाइए, गृहमंत्री ने जब इसका ऐलान किया तो गृहमंत्री ने क्या लिखा। गृहमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का काम किया। संविधान हत्या दिवस पर हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जलाए रखने की भावना प्रज्वलित होगी ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए। तो ये ट्वीट थे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति हुई दिन भर जरा उसको भी सुन लीजिए और आज की डिबेट उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है इस देश की जनता, इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके, देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। कौन बोल रहे हैं ये बात, इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा करो जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को, लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। मुझे भी आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला था, परिवारजनों को भी तकलीफ हुई, मित्रजनों को भी तकलीफ हुई, और हमारे उस पराक्रम को आज मान्यता मिली है, ये प्रसन्नता है। आप एक गड़े मुद्दे को उखाड़ कर उसी को लाकर अभी लोगों को बार बार याद दिलाते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए कि वर्तमान में आप क्या विकास कर रहे हैं, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पर संविधान के अनुरूप सांप्रदायिक सौहार्द को आप बरकरार रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं कर पा रही है भाजपा। तो अब चुनाव कई चार स्टेट्स में होने वाले हैं, तो चुनाव के पहले इस तरह का वो बिगुल फूंक कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को,
उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है, और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये आपने सुना, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने आज क्या अपने अपना जो रुख था इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड अपना क्लियर किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 50वां साल हुआ है, 50 साल हुए आपातकाल को, और इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इमरजेंसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा था, उसके बाद आज के मेहमानों का परिचय करवाऊंगा। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन को यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। तो ये प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में, लोकसभा में भी उन्होंने लगभग इसी तरह की बात की थी, और आपातकाल के ऊपर करीब करीब 3 से 4 मिनट तक उन्होंने इस पर अपनी पूरी बात रखी थी। और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज 5 मेहमान स्टूडियो मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय गिरी, निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। यश भारती जी मेरे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जुड़े हैं, वो लेखक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मक्खनलाल जी ने काफ़ी इस पर लेख भी लिखे हैं, मैं आपको बता दूं। और सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। मैं डिबेट शुरू हो उससे पहले एक बार फिर मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं अपने सभी मेहमानों से कि कृपया विषय के ऊपर अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है एक सार्थक बहस हो पाएगी। गंभीर मसला है, इसकी गंभीरता को अगर समझेंगे और विषय से विषयांतर ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और विषय पर हम लोग रहें, हम लोग इधर उधर की बात ना करें। इसलिए मैं शुरुआत में पहला जो राउंड है, जो तीनों मेरे साथ राजनीतिक, जो राजनीतिक विश्लेषक, जो राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध है और जो राजनीतिक प्रवक्ता है, मैं तीनों को शुरू में 1.5 मिनट दूंगा इसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा तो कम से कम एक लाइन समझ में आएगी आप पक्ष या विपक्ष क्यों इसका कर रहे हैं। लंबी लंबी बातों से नहीं, बड़े मैं चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से खुलेआम जो है अपनी बात रखें कि आप इसके पक्ष में विपक्ष में क्यों हैं। तो जरा गाड़ी दिखाइए, मैं अपने प्रोड्यूसर से निवेदन करूंगा और उसी के साथ शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत जो है धनंजय गिरी जी आपसे करता हूं। धनंजय गिरी जी, आखिर इतने साल बाद क्यों याद आई कि भाई अब जो है संविधान हत्या दिवस मनाना है? क्या ये कांग्रेस जिस तरह से संविधान लहरा रही थी, एक नैरेटिव बना रही थी, क्या ये उसका एक तरह से काउंटर जवाब है क्या उसका? अशोक जी, बाबा साहब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य भी अपना नहीं निर्माण कर सकती है। इसीलिए आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लों को ये पता रहे
कि संविधान की हत्यारी कांग्रेस ने संविधान की हत्या कैसे की थी, इसके लिए आपातकाल के अंधेरे की पीड़ा व दंश को से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए संविधान हत्या दिवस घोषित करना जरूरी था। संविधान के अरमान कांग्रेस की चिताओं में जलकर किस तरह से राख हुए थे, मुल्क की महारानी इंदिरा को पता ही नहीं था कि भारत की तरुणाई न अस्त होने वाले ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकी थी, वह उस देश का नौजवान किस तरह से दामन पर लगे इस दाग को धोएगा। उस काली रात को जब अली के हस्ताक्षर से इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपी थी, उसका 50 वर्ष पूरा हुआ है। ये 50 वर्ष उसका 50वां वर्ष मना रहे हैं, कांग्रेस आज भी जलसा मना रही है। कांग्रेस के पास ना कोई अफसोस है और ना कोई हया शेष है। भारतीय संसदीय जनतंत्र का आपातकालिक सुकांति का गित्र है। ये इतिहास का वो काला अध्याय और जनतंत्र के ऊपर लगा हुआ एक काला धब्बा है। यह कलंक हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। दुश्वारियों का दौर जब आप सामने आता है, 9000 लोग गिरफ्तार किए गए थे एक रात में, 1.5 लाख लोग टोटल अरेस्ट हुए थे, संविधान को तार तार किया गया था और लगातार जिस तरह से देश पर संघातक हमले हुए थे 39वां, 38वां और 42वां संशोधन के थ्रू, जिस तरह से देश को तार तार किया गया था, संविधान को तार तार किया गया था। आप बाबू ने कहा है कि आप पापी से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो हम कांग्रेस के किए गए कुकर्म बता रहे हैं। कांग्रेसियों को भी चाहिए कि उस कुकर्म के लिए कांग्रेस की उस कृत्य की निंदा करें। सबसे दुखद ये है अशोक जी, दो लोग जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, वो भी उस पर मौन था, धारण किए हुए। ओके धनंजय जी, मैं आऊंगा फिर आपके पास, आपका समय यहाँ पर 1.5 मिनट जो है वो पूरा हुआ। मैं निखिल जैन आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जैन, आखिर संविधान हत्या दिवस मनाने में ऐतराज क्यों है? दिन तो हुआ था उस दिन, संविधान की हत्या तो हुई थी, ये बात तो सभी स्वीकारते हैं, तो फिर जब स्वीकारते हैं तो इसको मनाने में ऐतराज क्यों है आपको? चलिए निखिल जी, आशा करता हूँ मुझे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए बात यह है कि आपातकाल में जो भी हुआ, पुलिस ने जो प्रोसिक्यूशन करा लोगों का, लोगों के अधिकार छीने गए, गलत चीजें हुई, इसके खिलाफ, इसके लिए माफी श्रीमती इंदिरा गांधी खुद मांग चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी मांग चुकी है, राहुल गांधी मांग चुके हैं। क्लियर तौर पे ये बात कही गई है कि इमरजेंसी में, आपातकाल में जो चीजें हुई वो गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये भी आपके दर्शकों को याद रखना जरूरी है कि उसी इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी हटाई थी, किसी के कहने पे नहीं हटाई थी, कोई बाहरी या अंदरूनी कोई इतना दबाव नहीं था। वो चाहती तो इमरजेंसी बरकरार रख के डिक्टेटर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ही हटाई। उसके बाद उस इलेक्शन में कांग्रेस को क्षति भी मिली, जैसे मिलनी भी चाहिए थी। मैं ये खुले रूप से बोलूंगा कि कोई पार्टी अगर ऐसा काम करे तो उसे इलेक्शन में क्षति मिलनी चाहिए। पर मैं अपने भाजपा के मित्रों को एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हमेशा सही गलत का मापदंड चुनावी नतीजों पे तोलते हैं। 1977 में जो इलेक्शन हुआ इमरजेंसी के जस्ट बाद, कांग्रेस पार्टी को उसमें 34.5% वोट शेयर आया, 154 सीटें आई। ये वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का जो था, भाजपा के 2014 के जीत वाले निर्णय से वोट शेयर ज्यादा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमरजेंसी में हुआ वो गलत नहीं था, वो गलत था। बट यही है कि आज अगर आप 49 साल बाद आप उस चीज को, मुद्दे को उखाड़ रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे कि हम संविधान संवेदना दिवस मनाएंगे या बच्चों को संविधान के बारे में बताएंगे, आप उसे कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस। संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है, 1950 से लेकर आज तक इस देश को चलाया है और चलाता रहेगा। जब विपक्ष ने बात उठाई तो किस तरीके से भाजपा के हलकों में दिक्कतें हुई वो हम सबने देखा है। जब एक सांसद शपथ लेते हुए जय संविधान कहते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को आपत्ति हो जाती है। ओके निखिल जी, आपका समय पूरा हुआ 1.5 मिनट का, आपने अपनी बात रखी, उसमें कई कंट्राडिक्शन थे, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं कहूंगा। जब डिबेट आगे बढ़ेगी तो जरूर उन पर अपनी बात रखूंगा, आपसे उसका जवाब लूंगा। लेकिन यश भारती जी, समाजवादी पार्टी और RJD, ये तो वो पार्टियां हैं जो संविधान, जब आपातकाल लगा था तो आपके नेता भी सब जेल में थे। मीसा भारती तो नाम रखा गया इसीलिए क्योंकि मीसा के अंतर्गत जो है सभी राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार किया जाता था, और इसीलिए लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। आज आप लोग उस दिन को मनाने का भी विरोध कर रहे हैं। यश भारती जी, देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसे ढंग से लागू करने वाले ठीक नहीं रहेंगे उपयोगी साबित नहीं होगा। और ये वही हाल है, अपनी अघोषित आपातकाल को छुपाने के लिए वर्तमान सरकार घोषित आपातकाल लाने की बात कर रही है, उससे तुलना कर रही है, उसको याद कर रही है। आज अपना अघोषित आपातकाल की बात नहीं कर रही है, जहां उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए श्रमिक कानून में बदलाव करके श्रमों के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो तमाम अधिकारों का हनन हो रहा है लगातार। रात में 8 बजे आके नोटबंदी जैसे तानाशाही फैसले लिए जाते हैं, GST जैसा आपातकाल वाला निर्णय लिया जाता है जिससे पूरा व्यापार बंद हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तमाम सब किसानों को गाड़ियों से रौंद से
उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चियों के बलात्कार पीड़ितों को जलाया जा रहा है, खुद पुलिस जला रही है, मिट्टी के तेल और टायर से जला रही है, तब हिंदू खतरे में नहीं है, सनातन खतरे में नहीं है। संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के बच्चों को, संविधान की जगह अब उनको मनुस्मृति पढ़ा जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार मनुस्मृति पढ़ा रही है बी ए थर्ड ईयर के बच्चों को। नई शिक्षा नीति में मनुस्मृति लाने की बात कर रही है, संविधान को लगातार खतरा बन रहा है। यही मोदी सरकार के रहते हुए देश की राजधानी जंतर मंतर में संविधान की प्रतियों को जलाने का काम हुआ जाता है, तब इनको खतरे में नहीं दिखता संविधान, लेकिन जब विरोधी विपक्ष की बात कर रहे हैं तब इनको खतरे में लगता है। हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, आज अघोषित आपातकाल का भी विरोध कर रहे हैं। okay. कांग्रेसियों ने माफी मांगी है okay. लेकिन अंतर इतना भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से okay. यस भारती जी, आपका समय, यस भारती जी आपका इनिशियली समय पूरा हुआ और आपने अपनी बात रखी और मैं इस डिबेट को अब आगे बढ़ाऊंगा। जरा यश भारती जी के साउंड जरा देख लीजिए, उनकी आवाज थोड़ा कट कट कर आ रही थी, जरा कोशिश कीजिए कि हम उनको पूरा ठीक से सुन पाए। लेकिन मेरे दो तीन ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। और ऑब्जर्वेशन तो ये है मेरा, सबसे पहला तो जो निखिल जी ने कहा कि उन्होंने कहा माफ़ी मांग ली सबने, ठीक है माफ़ी मांग ली, माफ़ी क्यों मांगी थी? माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि उनको भी पता था कि गलत उन्होंने किया, अगर गलत नहीं किया होता तो माफ़ी मांगते नहीं। तो अगर गलत किया उन्होंने माना तो ये बात जो है देश के लोगों को, देश की अगली पीढ़ी को याद दिलाने में क्या एतराज़ है कि भाई जो गलत हुआ देश में उसको लोग याद करें, नई पीढ़ी जाने। एक बात, दूसरी बात ये मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब नैरेटिव बनाए तो झूठा नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। यश भारती जी आपने क्या कहा कि संविधान की जगह जो उनको पढ़ाया जा रहा है मनुस्मृति, संविधान की जगह नहीं पढ़ाया जा रहा, एक और चीज ऐड हुई है उसमें। मैं तो कहता हूं बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए, सब कुछ क्या बच्चों को हम अकबर, अब अकबर बीरबल की कहानियां नहीं पढ़ाते रहे क्या? एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाते आप लोग? अकबर को महान हम पढ़ाते रहे, औरंगजेब को पढ़ाते रहे, हैं बाबर की कहानियां पढ़ाते रहे, वो सब हम लोगों को पढ़ाना ठीक था बच्चों को। बच्चों को हम, बच्चों को क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बार बार याद दिलाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते रहे कि भगत सिंह आतंकवादी थे, 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक में लिखा था भगत सिंह आतंकवादी थे। लेकिन जी इतनी जल्दी परेशान मत होइए, सच का सामना करने का हिम्मत रखिए, आवाज नीची करिए, आवाज नीची करिए, आवाज बंद करिए। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, अभी तो मैंने धागे खोलने शुरू किया आपके, अभी से आप लोग जो है इतना परेशान हो गए। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गलत साबित कर दीजिए, 2015 तक दिल्ली विश्वविद्यालय की रेफरेंस की बुक्स में यह पढ़ाया जाता था भगत सिंह आतंकवादी थे। तो अगर ये सब आप पढ़ाते थे तो मनुस्मृति को एक एक्स्ट्रा एडिशन के तौर पर, कोई भी चीज अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, स्टूडेंट को हर चीज जाननी चाहिए, तो इसलिए उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और एक बात, आखिरी बात, फिर मैं आऊंगा। निखिल जी ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज मैंने बंद कर रखी है क्योंकि आप कुछ सच सुनने का साहस नहीं कर पाते। मैंने 1.5 मिनट आपको बोलने का मौका दिया और मैंने आधा मिनट बोला और आपकी चींची 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 शुरू हो गई, आप मुझे आधा मिनट भी नहीं सुन पाए। इतने असहिष्णु लोग हैं आप जो संविधान की दुहाई देते हैं, आप किसी को सुन नहीं सकते, एक पत्रकार को आधा मिनट बोलने का समय नहीं दे सकते, उसके सच आपको चुभते हैं, यह आप लोगों की सिचुएशन है। अब बताइए, प्रमाण दीजिए, किस चीज का प्रमाण? मैं आपको अभी देता हूं प्रमाण, मैं बिल्कुल प्रमाण दूंगा आपको, अभी दूंगा आपको प्रमाण। और सुनिए एक बात, माफी मांगेंगे प्रमाण दूंगा तो? माफी मांगेंगे कान पकड़ के माफी मांगिएगा? निखिल जैन अभी प्रमाण देता हूं, कान पकड़ के माफी मांगिएगा? अभी आपसे कान पकड़ के माफी मंगवाता हूं, प्रमाण मांग रहा हूं। और दूसरी बात, अब मैं आ रहा हूं, आवाज नीचे रखिए, प्रमाण दूंगा, कान पकड़ के माफी मांगेंगे उसके बाद। और दूसरी बात, उद्योगपतियों का बड़ा रोना रोया जा रहा है इस देश में, बड़ा रोना रोया जा रहा है, उद्योगपतियों को देश बेच दिया और उन्हीं उद्योगपतियों की बारात में नाचने जाते हैं इंडिया अलायंस के नेता। आज अनंत अंबानी की शादी है और उसमें कौन कौन गया है? ममता बनर्जी। उन्होंने क्या कहा? मेरे को बार बार कहा था कि भाई शादी में जरूर आना, जैसे वो अनंत की बुआ लगती है कि उनके जाए बिना शादी नहीं होगी अनंत की। तो जो वैसे दिन रात गाली देंगी अंबानी अडानी को और शादी में भाग लेने तुरंत चली गई। और सुनिए, आरजेडी का पूरा कुलबा गया है, पूरा कुलबा, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, वैसे गालियां देंगे ये उद्योगपतियों को, उनकी शादियों में डांस करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे का बेटा एक्स्ट्रा की तरह पिछली पंक्ति में डांस कर रहा था। ये इन दो लोगों के डबल स्टैंडर्ड है। अब मैं इस डिबेट को खोलता हूं और मैं डिबेट अभी गंभीर करना चाहता हूं और उसके बाद जो है मैं सबको मौका दूंगा। प्रोफेसर मक्खनलाल, आपने इसको
इसके ऊपर कई लेख लिखे इसको लेकर, तो आपको क्या लगता है क्या ये जरूरी है? और सवाल पूछा था जवाब दे, रुकिए मैं आपका जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा। आपने डेढ़ मिनट बोला, डेढ़ मिनट मैंने भी बोला, और आप जो बोलेंगे उसका जवाब देने के लिए अभी अभी उन्होंने भी उंगली उठाई है धनंजय जी ने, तो सबका जवाब लूंगा मैं, लेकिन पहले सुनना भी, जवाब लेने से पहले सुनना भी सीखिए सर। हाँ जी प्रोफेसर मखना, सवाल यह कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज, क्या ये सर मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, प्रोफेसर मखनलाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, कृपया सबसे कह दीजिए जब मैं बोल रहा हूँ तो धैर्य से मेरी, प्रोफेसर मखनलाल मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कोई बीच में ना बोले, मैं यही चाहता हूँ। मैंने देखिए ऐसा है, भारतीय संविधान कैसा चल रहा है ये समझने के लिए आपको संविधान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ संविधान कैसा चल रहा है। मात्र तीन चीजों का ध्यान रखिए, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 आपको पावर देता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को आप डिसमिस कर सकें, एक बहाने दूसरे बहाने, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। आर्टिकल 368 आप अमेंडमेंट कर सकें, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये तीन मूलभूत सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने मेन फ्रेम कहा था उसकी बात कर रहा हूं। अब आप जरा देखिए आर्टिकल 356 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1947 पे पहली बार 1953 में डिसमिस किया था, 90 गवर्नमेंट्स डिसमिस किया है इन्होंने, और ऑल टुगेदर 90 गवर्नमेंट्स। मैं आपको बता देता हूं, नेहरू ने 7 बार, इंदिरा ने 49 बार, राजीव ने 6 बार, नरसिम्हा राव ने 11 बार, मनमोहन सिंह ने 11 बार, मोदी ने पिछले 10.5-11 वर्षों में एक बार भी आर्टिकल 356 का यूज नहीं किया है। अब आप जरा आइए 368 पे जी, 368 अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग पावर में 1951 से लेकर 40th अमेंडमेंट 1983 तक कांग्रेस ने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की ऐसी तैसी कर दी थी, और इसी वजह से इन्होंने शंकरी प्रसाद केस फेस किया सुप्रीम कोर्ट में, गोलकनाथ केस फेस किया, केशवानंद भारती केस फेस किया, ऑल द टाइम सुप्रीम कोर्ट केम टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार ये कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबकी ऐसी तैसी करते हुए इन्होंने इमरजेंसी लगाई विच वॉज नॉट परमिटेड। ओके, उस संविधान वहां से संविधान का हाथ पैर काटना तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू कर दिया था। अशोक जी आप ये मत ध्यान भूलिएगा 1951 का जो अमेंडमेंट था, सर 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 मेरा स्पेसिफिक सर सर नहीं नहीं मेरा एक सर प्रोफेसर मखनलाल प्लीज मेरा एक वो है, देखिए आप इतिहास मामलों के जानकार हैं, आपके पास ऐसे इतिहास के दर्जनों उदाहरण हैं। मैं चाहता हूं आज के विषय में कि क्यों पढ़ाना आपको जरूरी लगता है, आपातकाल का चीज जो है क्यों जरूरी लगती है, उस पर थोड़ा सा जल्दी से अपनी बात रखिए। फिर बैकग्राउंड बता रहे थे आपातकाल का बैकग्राउंड, की 1951 में जवाहरलाल नेहरू का जब क्रिटिसिज्म शुरू हुआ अखबारों में तो उन्होंने अमेंडमेंट बिल लाया फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, अमेंडमेंट करना चाहते थे, पार्लियामेंट ने इंक्लूडिंग अंबेडकर और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने उसे निरस्त किया, तब वो एक्ट की तरफ इन्होंने किया कि ये अधिकार नहीं रहेंगे। कांग्रेस हैज बीन ट्राइंग टू डू दैट। जब इमरजेंसी लगी तो मित्रों को मैं बता दूं कि जबलपुर केस पढ़ने अखबार में निकाल के कहा, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे अटॉर्नी जनरल कहते हैं एचआर खन्ना की बात को, ये बात है 1976 की, कि साहब इमरजेंसी में क्या फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे, नीरेंडे कहते हैं नो, देयर विल बी नो फंडामेंटल राइट। एचआर खन्ना ने पूछा जी कि अगर मुझे प्यास लगी है और सिपाही कहता है कि पानी नहीं देंगे हम, मैं गोली मार दूंगा, इज देयर एनी रेमेडी, क्या कोई रेमेडी है? नीरेंडे ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं मिलार्ड However, my conscience may prick, but inconsistency, I say there is no remedy. Okay. H.R. Khanna कहते हैं, H.R. Khanna कहते हैं, even for Supreme Court, no remedy. He said no. Okay. और एक मिनट रुक रहा हूँ, मैं आपको एक लाइन और एक लाइन 1978 में एक मिनट रुकिए मेरा प्रोड्यूसर से निवेदन, एक मिनट रुकिए नहीं है सर, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर,
एक मिनट रुकिए, मेरा प्रोड्यूसर से निवेदन है, जो ये जो आजकल जो चलन शुरू हुआ है ना कागज दिखाने का, जो कागज दिखाए उनको स्क्रीन से हटा दीजिए, जो कागज दिखाए उसको स्क्रीन से हटा दीजिए। सर एक मिनट, मैं मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, एक मिनट मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, रुकिए एक मिनट मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत बढ़िया भाषा है, बहुत बढ़िया भाषा है। एक मिनट रुकिए, रुकिए एक मिनट सर, रुकिए एक मिनट प्लीज रुकिए। अब मैं निखिल जैन जी सुनिए जरा, एक मिनट निखिल जैन सुनिए, उसके बाद कागज वागज लहराइएगा। और ये यहाँ पर जो है ना, मैं वो सब इजाजत नहीं दूंगा कि आप कागज लहराते रहें, वो आप कहीं और करिएगा। मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर कागज लहराएंगे, कुछ भी ऐसा असंसदीय काम करेंगे तो मैं आवाज बंद कर दूंगा, आपको स्क्रीन से हटा दूंगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास भास्कर में छपी खबर है, आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक किताब पढ़ाई जाती है, इसमें पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारियों को आतंकवादी के नाम से पूरा एक लेख लिखा हुआ है। इसमें कई जगह क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी के तौर पर संबोधित किया गया। और आपको एक और प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस बता दूं, उसमें प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को बताया आतंकवादी। अब मुझे लगता है मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप अपनी माफी मांग लेंगे, क्योंकि मैंने प्रमाण दे दिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमिया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर वन पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सरकार ने ऐलान किया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, और इसलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं इससे पहले उन मेहमानों को भी बता दूं, और मैं ये भी बता दूं, जब मैं निखिल जैन जी से बात कर रहा था तो प्रोफेसर मक्खनलाल जी, आपने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे आपको ये शोभा नहीं देता, और मेरी डिबेट में इस तरह के किसी भी शब्द का बिल्कुल प्रतिबंधित है, असंसदीय कोई भी शब्द मेरी डिबेट में
कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर आप इस पर क्षमा याचना करना चाहें, एक मिनट आपको दे रहा हूं, जल्दी से इस तरह से शोभा नहीं देता जी। इतने वर्ष के इतिहास के बीच में अशोक जी, एक लाइन मुझे कहने का मौका दीजिए, एक लाइन। नहीं नहीं, पहले आप नहीं, प्रोफेसर मक्खनलाल जी आपको पहले शब्द वापस लेने पड़ेंगे। नहीं प्रोफेसर मक्खनलाल जी, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। देखिए ये दूरदर्शन है, हम यहाँ पे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन दूरदर्शन पे ठीक है, कार्ड मुंह पे दिखाया जाए कि ये झूठ बोल रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, मैं क्षमा प्रार्थी। आप मुझे आज से नहीं, कम से कम 20 बिल्कुल मुझे इसीलिए हैरानी हुई सर, मैं आपको बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि आपके मुंह से शब्द कह, क्योंकि इतनी चिल्ला चिल्ली हो रही थी, मैं नहीं सुन पाया कुछ भी। लेकिन मुझे जब बाद में मेरे प्रोड्यूसर ने बताया, तब इसलिए मैंने आपको कहा। और अगर कोई ये बोल रहा था आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत था, और इसीलिए मैंने कहा इस तरह के असंसदीय शब्दों का। बोलते तो कोई बात नहीं, प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, ये नया तरीका चैनल पे। मैंने कह दिया, मैंने अपने प्रोड्यूसर को कह दिया, कोई भी, मैंने अपने प्रोड्यूसर को कह दिया, कोई प्ले कार्ड दिखाएगा, कोई प्ले कार्ड दिखाएगा उसको तुरंत स्क्रीन से गायब कर दीजिए। और मैं अब निखिल जी बता चुका हूँ, मैं डिबेट पे आता हूँ सर। 3 लाख ज्यादा किताबें हम पढ़ चुके हैं सर। सर सर सर, मैं डिबेट पे आ रहा हूँ, मैं डिबेट पर आ रहा हूँ ओके। और मैं डिबेट पर, सर एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं आपको आपके पास आऊंगा सर, रुकिए प्लीज। अब मैं डिबेट पे वापस आ रहा हूँ, विषय पर मैं बने रहना चाहता हूँ। और मैंने एक विषय उठाया था सिर्फ, और वो क्योंकि यश भारती जी ने उठाया था, और उसके प्रमाण मैंने दे दीजिए। निखिल जी बोलिए, अब आप अपने क्षमा याचना आप भी कर लीजिए कि आपने मुझे झूठा कहा, और उसके बाद आप अपनी बात रखिए, और उसके बाद मैं बाकी लोग, मैं धनंजय जी आ रहा हूँ, एक मिनट इनका काउंटर ले लूँ, फिर आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। बोलिए अशोक जी, सबसे पहले तो जो आपने काउंटर की बात करी है ना, उसका जवाब दे दूं। जो आपने आपने मांगे है कि आपने मुझे झूठा कहा, उसके लिए क्षमा नहीं मांगी। 2 मई 2016 का निखिल जैन, वो मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक मिनट इनको हटाइए, निखिल जैन को हटाइए, वो मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैंने उनसे क्षमा मंगवाई, मैंने उनसे कहा कि अगर आपने असंसदीय शब्द, आपने मुझे झूठा कहा, मैं उसके प्रमाण दे रहा हूँ। आप बहुत बड़े आदमी है क्या, आपको झूठ, आपको प्रमाण दे रहा हूँ, मैंने आपको प्रमाण दिए। भगत सिंह ने खुद अपने आप को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, रेवोल्यूशनरी आतंकवादी में फर्क होता है, इनको हटाइए प्लीज, हटाइए, मुझे इनकी आवाज नीचे करिए। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपको आवाज नहीं आने दूंगा। यश भारती जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैं बार बार कह चुका हूं, मेरी डिबेट में उल्टी सीधी बातें ना करें, आपको पूरा समय दे रहा हूं मैं, 1.5 मिनट तक आप सब लोग बोले, किसी ने नहीं रोका, अब भी आप बोलेंगे, विषय पे बोलेंगे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन इस तरह के चीज करेंगे आप, दूसरों को झूठा बोलेंगे, और जब आपको प्रमाण दे दिए जाएंगे उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगेंगे। इतने बुजुर्ग हैं मक्खनलाल जी, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने क्षमा जता दिया। निखिल जैन जी, आपकी ऐसी कौन सी हेकड़ी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को झूठा कह रहे हैं, प्रमाण दिए जाने पर अपने आप क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं। यश भारती जी अपनी बात रखिए। देखिए अशोक जी, जो आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे, जयपुर हाईकोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए मनु महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया, तो बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों, और मनुस्मृति और मनु महाराज से इतना प्रेम क्यों, क्या पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई? और जो आप संदर्भ दे रहे थे अभी मेरी बात का, विधि विभाग ने आज वो हटा दिया आप ही के शब्द से, अभी गलती की, इसीलिए माफी मांगी कमीशन, यानी मनुस्मृति गलत है, इसीलिए मैंने नहीं कहा मनुस्मृति गलत है, विधि के साथ मैंने नहीं कहा मनुस्मृति गलत है। यश भारती जी, आप पहली बार मेरी डिबेट में आए, आप मेरी डिबेट करने का तरीका जानते नहीं है, आप फिर मनुस्मृति में लाए डिबेट, मेरी डिबेट मनुस्मृति में नहीं है, मेरी डिबेट मनुस्मृति में नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कह दीजिए नमस्ते, कुछ अगर तर्क है आपके पास, तथ्य है तो अपनी बात रखिए। मतलब कहां से आप लोग आते हैं, मुझे हैरानी होती है, आप लोग आ जाते हैं डिबेट करने के लिए, आपको विषय बताया जाता है, 5-5 घंटे पहले विषय बताया जाता है, लेकिन विषय पर नहीं बोलना, बाकी सारा ज्ञान देना है, विषय पर बोलिए अगर कुछ कहने के लिए है तो। आप हमें स्क्रीन से बताने का दे रहे हैं, आप बोलने को दीजिए, बोलने विषय पर बोलिए, डिबेट आपका विषय बताया गया था, डिबेट का विषय आपको बताया गया था, बोलिए विषय पर, फिर आप नहीं सुनना चाहते, बोलिए विषय पर बोलिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, दूसरे विषय पर बोलने के लिए आपको बुलाया है, बोल रहा हूँ, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति स्थापित करने की बात हो रही है, मनु महाराज की स्मृति स्थापित करने की बात हो रही है, अघोषित करने की बात हो रही है, इसीलिए घोषित जो घोषित थे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और संजय गांधी के हमने के साथ खड़ी की मिल गांधी, वो मिल गांधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनती है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनती है, तब आपातकाल आदमी भारतीय जनता पार्टी की, तब आपातकाल जो जगमोहन
जो दिल्ली को सौंदर्यकरण के नाम पर हीरो बनाए गए थे संजय गांधी के द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर जाते हैं, कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, जो उनके छत्ते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं होती। चलिए ओके, इनकी आवाज जरा ठीक कीजिए, मुझे बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आया ये लोग क्या बोले। इनकी आवाज जरा ठीक कीजिए, इनकी आवाज ठीक कीजिए। धनंजय गिरी जी रिस्पॉन्ड कीजिए और एक बात बताइए। धनंजय गिरी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग मनुस्मृति को लाते हैं, हालांकि मैं एक बात जल्दी से बोल दूं, मेरे पास अभी जो है, मुझे नहीं मालूम है इसको, मैं फैक्ट चेक नहीं कर सकता तुरंत बैठे, मेरे पास अभी एक बहुत सीनियर जो है रवि चतुर्वेदी जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्रिकेट के जगत के जाना माना नाम है, उन्होंने मुझे अभी एक मैसेज भेजा और उन्होंने लिखा, DUVC प्रोफेसर योगेश सिंह यस्टरडे कैटेगोरिकली सेड मनुस्मृति स्टडी हैज बीन कैंसल्ड। ये उनका बयान है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन वो मनुस्मृति पर डिबेट ले आए इमरजेंसी से, तो मुझे जो समझ में आया मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। आप उनकी कुछ और बात समझ पाए तो काउंटर कीजिए। अशोक जी देखिए, दो बातें हैं। जो कांग्रेस समर्थक आप जैन साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि कोई विरोध भी नहीं था, अब इस बेशर्मी बेहयाई का क्या जवाब दिया जाए, जब जैकेट 1.5 लाख लोग गिर दिन थे, अनगिनत लोग जेलों में बंद थे, आदमी की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, ना प्रेस था, ना मीडिया था, ना कुछ था, विरोध इतना प्रबल था कि इंदिरा गांधी को इस विरोध के आगे झुकना पड़ा। जब चौराहे जेपी से जेपी के आंदोलन के सामने, जब भारत के तरुणाई ने जेपी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली, इंदिरा को उसके आगे झुकना पड़ा, तब जाकर के इमरजेंसी हटी। उस सुकांतिका का उस काली रात की उसके लगता था कि सुबह ही नहीं होगी। दूसरी बात जो समाजवादी कह रहे थे, कि कह रहे हैं बाबा साहब के संविधान, अरे इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती ने आप पर केस किया साहब, कि सपा के गुंडों ने, उन्होंने FIR में लिखाया कि सपा के गुंडों ने मेरे ऊपर प्राण घातक हमला किया, देने का प्रयास किया। दूसरा समाजवाद क्या, इनके नजर में समझिए, समाजवाद मतलब सर भाई में नाच होना समाजवाद है, समाजवाद मतलब थाने पर अपराधी जेल बंद ताला लगा दे वो समाजवाद है, समाजवाद मतलब अनिल अंबानी समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा राज्यसभा जाए। धनंजय जी मेरे एक सवाल का मैं फिर आपसे जल्दी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद निखिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आप थोड़ा बड़प्पन दिखाते हुए, अगर आपने प्रोफेसर मुझे छोड़ दीजिए, आपने मुझे क्या कहा उसका मैं प्रमाण दे चुका हूँ, मुझे मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन मुझे लगता है अगर आप प्रोफेसर मक्खनलाल जी को झूठा कह के प्ले कार्ड दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको कम से कम खेद प्रकट कर देना चाहिए, इतना बड़प्पन आपको दिखाना चाहिए। लेकिन धनंजय जी जल्दी से मुझे बताइए, आखिर आज इसकी जरूरत क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं आज अघोषित आपातकाल है, आप लोग तो अघोषित आपातकाल लगाने वाले हो, तो आज आप आपातकाल की बात कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता। अशोक जी अगर इस बेहयाई का, जब इस देश में 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस, संविधान को तार तार करने वाली कांग्रेस, कर्दन से ज्यादा जुल्म उठाने वाली कांग्रेस, आज अगर इस देश में आप कोई चीज जिसको मन कर रहा है वो कह दे रहा है, नेहरू ने कोई हिटलर का चेला लिखने के कारण मजहरुल सुल्तानपुरी 1.5 साल जेल रह के आए, आज जिसको मन करता है हिटलर कह देता है, जिसको मन करता है कहता है कब्र में गाड़ दूंगा, जिसको मन करता है कहता है बोटी बोटी काट दूंगा, और आज संविधान खतरे में। मजेदार ये है, आप इस देश के 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए देश के प्रधानमंत्री पर जिस तरह का मन कर रहा आरोप लगा दे रहे हैं, आप संविधान को एक इंजॉय कर रहे हैं, आप संविधान काले अक्षरों की किताब नहीं है, न लाल किताब हाथ में लेकर घूमने की चीज है, जो आपको पता भी नहीं कि उसमें पन्ने कितने हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अरमान को, सपनों को सफार करने का, पूरा करने का, साकार रूप देने का उपाय है। दूसरी बात आप बताइए, जब लोग इस तरह की भी बेहुदई पर, बेशर्मी पर उतर आए कि कहें कि कोई विरोध ही नहीं था, वो चाहती तो लेके चलाई जा सकती थी, तो बिना चाहे लगा दी थी उन्होंने, उन्होंने इनसे पूछ के लगा दिया था कि इंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो मुझे नहीं ध्यान निखिल जी ने कहा या ये यश भारती जी ने कहा, ये आपातकाल ऐसे ही नहीं हटा दिया गया था, उसके लिए लोगों ने बलिदान दिया था और लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जवानी, अभी मैं केसी त्यागी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे वो दिन कभी आ नहीं सकते, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था लेकिन मेरी जो है पूरी की पूरी जवानी जो है मेरी बर्बाद कर दी गई। तो ऐसे बहुत से, और जो लोग मर गए, जिन्होंने जिनकी शहादत होगी, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। बोलिए निखिल जी। अशोक जी रुकिए, यश भारती जी, निखिल जी का एक मिनट, यश भारती जी रुकिए। इंडियन एक्सप्रेस का 2 मई 2016 का एक लेख है जिसमें साफ करा हुआ है कि भगत सिंह के बारे में जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द, यानी कि क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, भगत सिंह ने खुद इसी पर बहस करना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट आप बताना चाहते हैं 1930 में ऐसे, अब आप कॉन्टेक्स्ट बताना चाहते हैं, आप बोलने नहीं देंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा,
अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, अगर निखिल जैन अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगत सिंह को आतंकवादी लिखना सही था, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहाया ही नहीं हो सकती, बेहाया ही नहीं हो सकती। भगत सिंह को आतंकवादी लिखना तो आपने हटाया क्यों भगत सिंह को? अभी भी कहती है। अच्छा आप कह सकते हैं आज निखिल जैन, आप कह सकते हैं आज भगत सिंह आतंकवादी थे? बोलिए जरा एक बार, बोलिए हैसियत और औकात है तो। इनकी आवाज बंद कीजिए। मुझे आपसे कोई डिबेट नहीं करनी। जो व्यक्ति भगत सिंह को आज भी आतंकवादी साबित करने पर तुला हो, जिसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं हो कि भारत में किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था। पहले देखिए झूठ कैसे होता है, सौरभ जी देख रहे हैं आप एजेंडा कैसे गढ़ा जाता है। पहले इन्होंने क्या कहा कि लिखा ही नहीं गया, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने जब प्रमाण दे दिए और कहा माफी मांगो, तो कहा जी रिवोल्यूशनरी आतंकवादी एक ही बात है, उसी कंटेक्स्ट में लिखा गया था। ये इनको हटाइए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए, सौरभ जी देखिए बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की बात टेलीविजन, राष्ट्रीय टेलीविजन पर जो लोग कर रहे हैं, जिनकी 23 वर्ष की मात्र आयु जो है, जिनको वो कई युगों से लंबी है, उनके बारे में इस तरह की बातें करना, उनकी वजह से आज हम लोग दाल और रोटी घर में परिवार चला रहे हैं, हम बैठ के इस देश में स्वतंत्रता पूर्वक बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसका कारण भगत सिंह है जिसको आप आतंकवादी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से 1975 से 77 का दौर आपातकाल का, उस समय जी कांग्रेस पार्टी ने जिस बर्बरता पूर्वक लोकतंत्र को बंधक बनाने का, संविधान को बंधक बनाने का जो है वो प्रयास नहीं किया था, बल्कि बंधक बना लिया गया था। यहां पर टेलीविजन पे जिनकी आवाजें हम अभी सुन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने का अधिकार रखते हैं, लगातार चुनाव में इतनी सारी गालियों की लिस्ट आप निकाल कर देखेंगे आपको मिलेगी, और कुछ भी अनाप शनाप उनके बारे में बोल देना, यह उस समय अधिकार किसी को नहीं मिला था। और तो और पत्रकारों तक को बंधक बना लिया गया था, उनको नहीं मिला था। और जो लोग जेल में भरे गए थे वो कौन थे? वो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के अंदर डाल दिया गया था, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में जो है भाग लिया था, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। उसमें हमारा परिवार भी भुक्तभोगी था, आपका भी परिवार भुक्तभोगी था, मुझे बहुत अच्छे से पता है अशोक जी। हम लोगों में से कोई नहीं बचा था जो देश की आवाज बन करके देश के सामने अपनी बात रख सके, पहली बात। लेकिन आज इसकी कोई सार्थकता है क्या? नहीं, उसकी सार्थकता है ना, जिस प्रकार से पूरे चुनाव में संविधान की बात कही गई, जो फेक नैरेटिव चलाया गया, जो एक आपका खान मार्केट गैंग का आप जिक्र करते हैं, वो दोबारा से पैदा हुआ इस चुनाव में, और उसने पूरा संविधान को लेकर के जनता के बीच में कहा कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 2014 में पूर्ण बहुमत से आए थे, 2019 में 303 उससे भी ज्यादा बहुमत से आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो संविधान दिवस मनाया अंबेडकर जी के नाम पे, जो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देना कि आज हम संविधान दिवस मनाते हैं, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आपके सामने आलीशान यहां पर बन करके तैयार है, लाखों ऐसे अंबेडकर सेंटर बनाने का कार्य मोदी सरकार में हुआ। और जिस प्रकार से देखिए समाजवादी पार्टी के नेता भी बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं भैया, यस जी जो आप बात कर रहे हैं, स्वयं मुर्गा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव ने इसका खुल करके विरोध किया था। और जदयू के अभी जो आपने बताया कि वो नेता जिक्र कर रहे थे केसी त्यागी कि उनकी पूरी जवानी बर्बाद हो गई, तो आप अपने कम से कम पार्टी के पूर्वजों को पढ़िए, आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से आपातकाल का विरोध किया आपको वो भी नहीं पता है? और इंदिरा गांधी इसी वजह से देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी जो चुनाव हार गई, 1977 के बाद का चुनाव इंदिरा गांधी हार गई थी इसी कारण से। और 414 वोट का जो आपने जिक्र किया, 414 के साथ राजीव गांधी आए, वही राजीव गांधी 1987 के चुनाव में 198 पर आ गए, ये भी बताना चाहिए आपको, और बीपी सिंह की सरकार बनी। ओके चलिए, मैं यश भारती जी आपको मौका दूंगा, मैं निखिल जैन आपके पास फिर आऊंगा इस चेतावनी के साथ, मेरी डिबेट में कोई जस्टिफाई करने की कोशिश ना करे कि भगत सिंह आतंकवादी, उनको लिखना सही था। अगर आपको जस्टिफाई करना है, आप अब वो किताबें बदल दी गई हैं, कोई जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें कि भगत सिंह को आतंकवादी कहना सही था। ऐसी 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 बेहयाई को मैं अपनी डिबेट में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। विषय पर आइएगा, निखिल जैन एक बार फिर मौका दूंगा, यश भारती जाऊंगा और मखनल जी आपके पास भी छोटे से ब्रेक के बाद। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई,
चिंता मत कर मेरे भाई, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए दो टुक, आप देख रहे हो दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लगी थी। ये सरकार का फैसला कितना सही है, क्योंकि विपक्ष इस फैसले का सहमत नहीं है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन, विषय पर आए और जल्दी से मुझे बताएं कि आप इस फैसले के विरोध में क्यों हैं। इस फैसले के विरोध में अशोक जी, मैं इसलिए हूं क्योंकि यह संविधान की बात कम करता है और एक राजनीतिक मुद्दे को ज्यादा उछालता है। और ये बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि 1929 का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो पढ़े। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज कलेक्शन है, चमनलाल जी के पढ़े। निखिल जैन को हटाइए और ये देखिए, आप सुनिए, आवाज नीचे कीजिए। ये बेहुदा आदमी भगत सिंह को आतंकवादी साबित करने पर तुला है मेरी डिबेट में। अब मैं आपको बताता हूं, एक बात सुनिए, निखिल जैन को रखिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। निखिल जैन को रखिए स्क्रीन पर। ये आदमी ये साबित करने पर तुला है कि 2015 तक, निखिल जैन को दिखाइए प्लीज स्क्रीन पर। यह आदमी यह साबित करने पर तुला है कि भगत सिंह को जो आतंकवादी लिखा गया था टेक्स्ट बुक की किताबों में, वो सही था। अब मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में सोचिए, आप आज के दौर में आतंकवादी किसे कहा जाता है? हम उन नक्सलियों को भी आतंकवादी नहीं कहते जो रोज आए दिन जो है वो हत्याएं करते हैं, लैंडमाइन लगाकर वो उड़ा देते हैं हमारे सुरक्षा बलों को, उनको भी हम आतंकवादी नहीं कहते। और आप किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाकर बच्चों के जहन में क्या घुसाना चाहते हैं? लेकिन ये बेहुदा आदमी जो कागज उठाकर खड़ा है, ये बेहुदा आदमी जो मुझे जो संविधान की प्रति दिखा रहा था, ये बेहुदा आदमी इस बात पे अड़ा है कि जो भगत सिंह थे वो आतंकवादी थे, इस तरह की बेहुदगी ये आदमी दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू निखिल जैन। भगत सिंह को आतंकवादी कहने की हिम्मत आपकी औकात नहीं है। भगत सिंह के नाखून बराबर आप नहीं हो, नाखून बराबर भगत सिंह को आतंकवादी बताओगे, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है भगत सिंह के बारे में बात करने की? निखिल जैन, अपनी हैसियत औकात देखकर भगत सिंह के बारे में बात कीजिएगा। यश भारती, जल्दी से अपना कमेंट बताइए, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग आपातकाल को गलत बता रहे हैं। अभी सौरभ दुबे जी भी बता रहे थे प्रेस की आजादी बंद थी, प्रेस के लोगों को बंद कर दिया गया था जी। मैंने वही तो नाम बताया, उस समय सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल 2005 में आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यश भारती जी आपका पहला कमेंट ये था कि भाजपा जनता पार्टी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि आपका इमरजेंसी गलत थी, मतलब आपको लगता सही थी? आप बात नहीं आने देते। मैं बात क्या करूं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आधा टाइम तो आप लोग मनुस्मृति पे चर्चा करने के लिए रिफ्यूज है, बंद कीजिए। प्रोफेसर मक्कल, रिफ्यूज है,
प्रोफेसर मक्खनलाल सर, अगली बार मेरे डिबेट में तैयारी करके आइए, विषय पर तैयारी करके आइए, बोलिए, आपको मौका दूंगा। आप आपातकाल को सही मान रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं आपातकाल को सही बताया था, विद्याचरण शुक्ल इधर चलेगा उधर चलेगा, अरे कौन सा तर्क देते हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल आपका आखिरी कमेंट, मेरा समय नहीं है बिल्कुल। एक बार पुनः आपसे, आपके दर्शकों से और इस देश के लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़कर विनती करते हुए। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। पिछले 27 वर्षों से मैं टेलीविजन पे आता हूँ, आप जानते हैं, कभी भी मेरी आवाज ऊंची नहीं उठी। आज सिर्फ इसलिए उठी कि एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं पता है, किसी चीज के बारे में पता नहीं है, वो प्ले कार्ड दिखा रहा है। जब आपने कहा कि मत बोलो, इसको भी रोका जाना चाहिए। खैर मैं आता हूं जहां से मैंने छोड़ा था। जब 1976 में फंडामेंटल राइट्स को लेके बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये था कि लोग पकड़े जा रहे हैं, छोड़े नहीं जा रहे हैं, और इससे गांधी को परेशानी ये थी कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सबकी जमानत हो रही थी फंडामेंटल राइट्स के तहत। सुप्रीम कोर्ट में मिसेस गांधी ने ले आई, और सुप्रीम कोर्ट में मिसेस गांधी के जजेज ने 4-1 से जजमेंट दिया कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी आपके राइट्स नहीं है। एचआर खन्ना ने कहा जी, एचआर खन्ना ने कहा कि अगर कोई सिपाही मेरे मुंह में पेशाब कर दे, पानी न दे, गोली मार दे, इज देयर एनी रेमेडी। नीरन डे जो सॉलिसिटर जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनका मिलाड, देयर इज नो रेमेडी इवन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज को एक सिपाही okay, पेशाब कर दे, कोई रेमेडी नहीं है। डोंट स्पीक प्लीज, आई एम टॉकिंग, आई एम कमिंग। सर मेरा समय खत्म हो रहा है, आप 20 सेकंड में बात पूरी कर लें। एक लाइन 1978 में फिक्की ऑडिटोरियम में वाई बी चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस इंडिया के थे, डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी, उनकी एक स्पीच है, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मिसेज गांधी की रिजीम और इमरजेंसी के दौरान हम लोग इतना डरे और भयाकांत थे कि एक के बाद एक गलत फैसले देते गए, सिर्फ इसलिए कि हमको जेल न भेजे। ओके सर, ओके। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है जी, जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपने जो इंपॉर्टेंट बात की वो ये कि लोगों के पास जीने का अधिकार भी नहीं था, आपको गोली मार दे तो आप उसको जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। आपके परिवार के किसी व्यक्ति को पुलिस गोली मार दे, आपके पास कोई रेमेडी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं थी। ये था आपातकाल का दौर, और इस आपातकाल के दौर को अगर आज याद करने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए बताया जाता है, तो मुझे लगता है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के डिबेट में जुड़ने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।